देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग कुछ पीरियोडिसिटी का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास, पहले एग्जांपल से समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे रहे 0 से 10 पाई, ठीक है, और साइन एक्स डी एक्स ऐसे रहे, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले अगर ऐसे करोगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस एक्स है ना, और फिर 0 से 10 पाई। अब ये क्या ये सही है इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और 0 से 10 पाई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बोलिए। अरे भाई बोलिए। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, जैसे आप मॉड है तो इस माइनस को अगर हम गायब करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब ये चेंज कर दीजिए, कॉस एक्स और ये 0 to 2 यहाँ पे 10 पाई कर दीजिए। अब बताइए कॉस 0 डिग्री कितना होगा, कॉस 0 डिग्री कितना होगा बताइए? 1 होगा। और कॉस 10 पाई भी क्या होगा, 1 ही होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री में सारा कहानी बताया गया है, 0। अब पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है, अगर इसी इंटीग्रेशन में अगर हम दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल तो ये हुआ, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ मॉड साइन एक्स कर दें डी एक्स और 0 से 10 पाई, तब क्या करोगे आप? अगर जैसे हम मॉड लगा दिए उसके बाद अगर इंटीग्रेशन करने के लिए बोले तो अब आप क्या करोगे जरा बताओ? हाँ ग्राफ से तो बना ही सकते हैं, लेकिन 0 से 10 पाई करना है और मॉड साइन एक्स करना है, तो साइन एक्स में मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स के कुछ इंटरवल में 0 से 10 पाई नेगेटिव भी तो होता है। बोलिए। यस सर। तो जब नेगेटिव होता है तो हम मॉड करके कर रहे हैं, मतलब उसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसमें पीरियोडिसिटी जो फंक्शन होती है, जैसे साइन एक्स की, साइन एक्स का एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है। साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या है, 2 पाई। तो क्या करेंगे हम लोग कि एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जैसे मान लो आप कह सकते हो कि इंटीग्रेशन 0 to 10 t है ना, 0 to 10 t और कोई भी फंक्शन fx dx, और बताया गया हो आपको कि इफ f ऑफ x इज, नोट करके लिख भी लीजिएगा, इफ f ऑफ x इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड, ऑफ पीरियड टी है ना, तो इसी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10 × ∫0 to t और fx dx, ये फार्मूला हो जाता है, मतलब समझ रहे हो कि अगर fx एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड t है तो t का जो इंटीग्रल मल्टीपल है, याद रखना कौन सा मल्टीपल, इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीग्रल नहीं होगा तब नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ t जो होगा उसे हम बाहर कर सकते हैं और इंटीग्रेशन 0 to t और fx dx कर सकते हैं, ठीक है? क्यों कर सकते हैं ऐसा, आखिर क्यों कर सकते हैं, इसका क्या रीज़न है? तो देखो मान लो कि fx एक पीरियोडिक फंक्शन है, fx एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसका ग्राफ मान लेते हैं कुछ, मान लो इस तरह से जा रहा है ना, मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से इसका जा रहा है, और ये जो है इसका पीरियड अगर t है मान लो कुछ भी, तो एक बात बताओ हमें कि इसका पीरियड मान लो यही t है, ये लेंथ ही t है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, t+1, ये t+2,
ये t प्लस थ्री, ये t प्लस फोर, ठीक है। अब जरा आप हमें बताओ क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, पहले बताओ। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, बोलो। पीरियोडिक फंक्शन कहते किसको है, क्या आपको पता है? पीरियोडिक फंक्शन कहते किसको है, क्या आपको पता है? जो डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट करे, रिपीट करता है, जो एक निश्चित इंटरवल के बाद रिपीट करता है वही चीज। जैसे ये ग्राफ जैसा है वही ग्राफ उतना ही इंटरवल में, वही ग्राफ, वही ग्राफ, वही ग्राफ, तो इसी तरह से ये इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ बढ़ता रहेगा, ये भी इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ बढ़ता रहेगा। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। उसका पीरियड कितना है, तो आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना लो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है, आपको पता होगा, बोलिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ सब लोग को पता है। देखो जितना भी हम बोले थे कि ग्राफ्स का यूज होता है वो ऑल ओवर द मैथमेटिक्स यूज होता है, इसीलिए आपको शुरू में ग्राफ पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आप जानते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे ही बढ़ते रहता है, इधर भी और इधर भी। तो अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ का जो पीरियड पूछेंगे तो वो शॉर्टेस्ट लेंथ, वो सबसे छोटा इंटरवल जिसपे ग्राफ रिपीट कर जाता हो, तो वन लेंथ का है, इस पर फिर रिपीट किया वन लेंथ में, फिर वन लेंथ में रिपीट किया, क्योंकि दिस इज द लेंथ ऑफ वन, दिस इज द लेंथ ऑफ वन, यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, साइन एक्स है। साइन एक्स का पीरियड कितना होता है जी, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, कोई बताएगा हमें? साइन एक्स का पीरियड कोई हमें बता सकता है भाई? आवाज जा रहा है मेरा? हेलो, आवाज जा रहा है मेरा? किंगसुक? यस सर। अरे भाई साइन एक्स का पीरियड कितना होता है सर? 2 पाई। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? लेफ्ट हो गए थे। अच्छा लेफ्ट हो गए थे। अंशु, अंशु, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? सर 2 पाई। कॉस एक्स का? टेन एक्स का? टेन एक्स का पीरियड कितना होता है? फैजुल्लाह खान, फैजुल्लाह खान, टेन एक्स का पीरियड बता दो। क्या टेन एक्स का पीरियड क्या बोले? फैजुल्ला, पाई, कल्पना सिंह, कल्पना सिंह, आप कॉर्टेक्स का पीरियड बताओ। पता नहीं, आप लोग पढ़ते हो, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ग्राफ नहीं पता है, कैसे करोगे?
टेनेक्स एंड कॉटेक्स का पीरियड जो होता है वो पाई होता है, और साइन कॉस सेक कॉसेक का पीरियड 2π होता है, क्योंकि वो 2π इंटरवल में ये 0 हो गया और ये 2π हो गया। इस इंटरवल में वही ग्राफ अगर आप फिर 2π इंटरवल देखिए, 2π से 4π लेंथ 2π कहलाएगा, तो ये 2π में अगर यही ग्राफ को हम उठाएं और यहाँ रिप्लेस करें तो आ जाएगा, फिर यही ग्राफ को यहाँ रिप्लेस करें तो आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ रिप्लेस करें यहाँ से यहाँ तक तो भी आ जाएगा, तो इसीलिए साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाता है 2π हो जाता है। अब अगर आप ये ज़रा समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर इंटीग्रेशन हम यहाँ से 0 to 10t कर दिए हैं, तो एक काम करिए, गलत कर दिए ये वाला, इसको फिर गलत हो जाएगा ना, पीरियड गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये 1t1 है तो ये 2t1 होगा, ये 3t1 होगा, ये 4t1 होगा, ये 5t1 होगा। अब ज़रा बताइए आप हमें कि अगर हमको 0 to 10t fx dx निकालना है, तो आप एरिया के तरफ से सोचिए कि एक फंक्शन है जिसका एरियाज हमें x बराबर 0, x बराबर 10t, x एक्सिस एंड फंक्शन के बीच का निकालना है। तो 0 से लेकर 10t तो इधर कहीं बहुत दूर तक जाएंगे, यहाँ 10t आएगा, ऐसे करके डॉट डॉट रहेगा। तो फंक्शन ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ ये हुआ x = 0, ये हुआ x एक्सिस, और ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, समझ रहे हैं आप, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, क्या ये सारे एरियाज को हमको जोड़ना होगा अप टू 10t? बताएं आप, अगर हम बोलें 0 to 10t fx, तो fx के बीच में और 0 to 10t के बीच में जो एरिया आएगा, क्या वो 10t तक कवर करना पड़ेगा? यस सर। तो कॉमन सेंस से सोच के देखिए कि क्या सबका एरिया सेम ही नहीं है, हर पिक्चर का जो एक पीरियडिक पीरियड में है, टी पीरियड 2t 3t में, बोलिए। तो अगर सबका एरिया सेम ही है तो 10 ठो का हमको निकालना है, तो हम 10 को बाहर करके 1 ठो का एरिया अगर निकाल दें तो नहीं हो जाएगा, बोलिए। वही कहानी इसमें है, साइन एक्स में भी, साइन एक्स में भी अगर आपको पता चल गया कि 0 to 10π तक जाना है हमको, तो हमको पीरियड इसका कितना मालूम है, 2π, तो इसको पीरियड के मल्टीपल में लाना पड़ता है, टी एक पीरियड था, तो यहाँ इसको 10π को हमको 2π के मल्टीपल में लाना होगा, तो 0 × 5 × 2π लिख सकते हैं, दिस इज टी, समझ रहे हैं आप, ये 2π साइन एक्स का पीरियड था, तो इसको रहने देंगे, आई इस n को बाहर कर लेंगे, जैसे वो 10 था, तो 5 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 से 2π साइन एक्स डी एक्स। और आप साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 to 10π आप देखें तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो एरियाज इसका क्या आ जाएगा बताओ, इसका एरियाज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा जो पहले भी आया हुआ है। लेकिन वही अगर इंटीग्रेशन में हम मॉड लगा दिए, मॉड साइन एक्स, तो अब साइन एक्स का पीरियड 2π होता है, लेकिन मॉड साइन एक्स का पीरियड 2π नहीं होता है, मॉड साइन का पीरियड क्या होता है जी बताओ आप लोग, पाई होता है, क्योंकि अगर मॉड साइन एक्स का ग्राफ खींचने के लिए आपसे बोले, मॉड साइन एक्स का अगर ग्राफ आपसे खींचने के लिए बोले, तो आपको पता होगा कि ग्राफ मॉड साइन एक्स का ऐसे होता है, पहले हम साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं, क्या सबके साथ ऐसा हो रहा है जी, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, सबके साथ हो रहा है ऐसा, मेरा आवाज कट के जा रहा है क्या,
मेरा आवाज कट के जा रहा है जी किंगसुक। पहले जा रहा था सर, अब नहीं है। ठीक है, देखिए अब अगर हम पूछें कि मॉड साइन एक्स का ग्राफ बताइए, तो जरा याद कीजिए कि वाई बराबर साइन एक्स के ग्राफ से हम लोग मॉड साइन एक्स के ग्राफ से हम लोग सॉरी साइन एक्स के ग्राफ से हम लोग मॉड साइन एक्स का ग्राफ बना लेते थे। ग्राफ में ये बताया गया आपको, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, बस जो ऊपर है वो रहेगा और जो नीचे है उसका मिरर इमेज लिया जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम मिरर प्लेस कर देंगे तो इसका इमेज ये हो गया, ये तो पहले से ऊपर है रहने देंगे, फिर इस पे मिरर रखेंगे तो ये फिर इमेज, फिर इसको ऐसे करेंगे फिर इसका इमेज। तो अब जो है आपको दिख रहा है ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, नीचे वाला पोर्शन आपको मिटा देना है, नीचे वाले पोर्शन को आपको मिटा देना है। तो ये बन गया ग्राफ किस चीज़ का, मॉड साइन एक्स का। तो आप खुद से देखें कि अब पाई इंटरवल में ही वो रिपीट करने लगेगा, है कि नहीं जी। तो अगर ये पाई इंटरवल में ही रिपीट करने लगा तो इंटीग्रेशन हम पूछे हैं 0 to आपको 10t और मॉड साइन एक्स डी एक्स। तो आप हमें बताएं कि क्या इसमें अगर इसका पीरियड सॉरी 0 to 10 पाई लिखे थे और पाई अगर इसका पीरियड है तो क्या हम 10 को बाहर कर सकते हैं। यस सर। तो 10 बाहर हो गया और इंटीग्रेशन 0 to पाई, क्योंकि पाई एक पीरियड था और साइन एक्स डी एक्स। अब आप हमें बताएं कि क्या 0 से पाई के बीच में इस एरियाज को आप निकाल के भी जानते हैं और डायरेक्ट आपको याद भी है कितना 2 होता है। तो 10 into 2 आंसर हो गया 20। कोई दिक्कत है, बोलिए। तो आप अब जो है बहुत कुछ करने वाले हैं हम लोग, है ना। एक आपको हल्का सा भी समझाएं, अब जो है फार्मूलाज का लिस्ट बनेगा तुम्हारा। जैसे हम बोले कि पहला फार्मूला आप 0 to 10t जो लिखे हो उसके जगह पे आप ऐसे लिख लो 0 to nt और f(x, dx) इसमें n बाहर हो जाएगा। यदि क्या हो t इसका क्या हो पीरियड, इफ टी इज अ पीरियड ऑफ fx वेयर एंड लिख लेना एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, n इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन होगा तो नहीं। क्यों फ्रैक्शन होगा तो नहीं जरा बताओ। कोई बता सकता है कि फ्रैक्शन होगा तो क्यों नहीं होगा। किंग्स हो हाँ, फ्रैक्शंस के करोगे तो फिर वो पीरियड नहीं रहेगा ना, पीरियड नहीं रह पाएगा। आप एरिया इसी को समझो कि जैसे ये ग्राफ था, मान लो ये ऐसे जा रहा था, अगर इसमें हम 1/2 करके दे दें, ये पीरियड था, अब हम 1/2 t करके दे दें, तो ज़रा सोचो कि अगर तुम 1/2 बाहर कर दिए और इंटीग्रेशन, मतलब ये लिखा हुआ था इंटीग्रेशन 0 to 1/2 t और f(x, dx), तो अगर तुम इसका फार्मूला लिख दिए कि 1/2 और इंटीग्रेशन 0 to t और f(x, dx), अब आप ये कन्फर्म से कह सकते हो कि अगर ये t है और इसका आधा जो होगा t/2, क्या ये कन्फर्म से कह सकते हो कि ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा। खुद से सोच के देखो, हाफ किए हो तो इसका मतलब क्या, इस पूरे इंटरवल का एरिया का आधा। अब आधा बाहर करके इस पूरे एरिया का आधा ये हो पाएगा, जरूरी है। ये कम है, ये ज़्यादा है,
दिखने से भी लग रहा है, समझ रहे हो? यस सर। इस वजह से, तो ये तो हुआ तुम्हारा पहला फॉर्मूला, एग्जाम्पल करके ये लिख भी सकते हो। एन कैन नॉट बी फ्रैक्शन, अब जरा बताओ कि मान लो तुम्हारे पास एक इंटीग्रेशन हो, एन वन टू एन टू टी, एन वन टू एन टू टी एफ एक्स डी एक्स, अब इसमें जरा बताओ हमको कि जहाँ पे n1 और n2 इंटीजर है, n1 बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n2 बिलोंग्स टू ऑल्सो इंटीजर, तो क्या हम लोग इसमें इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, जरा सोचो। और t इसका एक पीरियड है, एंड वेयर t इज पीरियड, या इसको एन वन टी कर लो, एन वन टी से एन टू टी तक अगर होगा तब, एन वन टी से लेके एन टू टी तक होगा तब, क्या हम लोग इसको एन टू माइनस एन वन एन टू इंटीग्रेशन, इसको हम लोग जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं क्या, बोलो क्या ये हम लोग कर सकते हैं? तो देख लेते हैं ग्राफिकली, हम लोग ग्राफिकली देख लेते हैं। जैसे मान लो यही पीरियड है हमारा, इसी ग्राफ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? तो मान लो एन वन टी अगर होगा, तो मान लो एन वन का वैल्यू 10 टी होगा, होगा ना, और एन टू का वैल्यू मान लो 20 टी होगा, ये एन वन टी मान लो और एन टू को क्या मान लो 20 टी, कोई दिक्कत? अब जरा बताओ कि मान लो हम ये 10 टी पे हैं, मान लो कि इसी तरह आगे बढ़े बढ़े और ये 10 टी पे आ गए, फिर आगे बढ़े बढ़े 20 टी पे आ गए, इसी तरह बढ़ते बढ़ते, अब आप हमें बताओ कि आपको एन वन टी से एन टू टी के बीच का एरिया निकालना है एफ एक्स डी एक्स का, इसका मतलब ये एरिया की बात हो रही है, मतलब गैप समझ लो, ये मत गिनना मत, बस ये सोच लो कि ये 10 टी पे पहुंच चुके हैं, ये 20 टी पे पहुंच चुके हैं, इसमें 10 इंटरवल है। तो आप बताओ कि ज्योमेट्रिकली तो हमको एन वन टी और एन टू टी एफ एक्स डी एक्स के बीच का एरिया ही निकालना है ना? अगर हम इसको ऐसे कर दें एन टू माइनस एन वन और इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या ये गलत होगा? अगर एन टू में से एन वन घटाए तो 20 में से हम 10 घटाएंगे, 20 में से 10 घटाएंगे, इसका मतलब 10, तो 10 ऑफ एरिया 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, सही बात है कि गलत बात है? अगर 0 टू टी अगर आप एरिया निकालते हो, तो ये तो कंफर्म पता है ना कि इसके और इसके बीच में 10 गैप है और सबका एरिया सेम है, तो एक का एरिया निकाल के अगर 10 से गुना कर दें तो क्या सही होगा? Yes, तो ये सही है, ये याद रहेगा कि एन वन टी से एन टू टी एफ एक्स डी एक्स होगा, अगर टी पीरियड हुआ एंड वेयर टी इज अ पीरियड, देन एन टू माइनस एन वन इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स। तो ये फॉर्मूला नंबर 2 करके लिख लो और इसका प्रूफ आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस ये ध्यान रहे कि आप कम से कम छोटा छोटा बना के 10 टी और 20 टी पे पहुंच जाना, या 5 टी से 10 टी पे भी पहुंच सकते हो। इतना कीजिए तब तक आप। अब क्वेश्चन है एक, 8 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी
log of x divided by 1 plus x square dx, है ना? इसमें कोई प्रॉपर्टीज तो नहीं लग रहा है, बोलिए, कोई प्रॉपर्टीज तो नहीं लग रहा है। अब अगर प्रॉपर्टीज नहीं लग रहा है तो आप क्या करोगे, इसमें u और v मान के बनाओ। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और log ऑफ x है dx। आप इंटीग्रेशन किसका इजीली जानते हो, क्या इसका इंटीग्रेशन जानते हो? Yes, sir. तो इसे आप सेकेंड फंक्शन मान लो, इसे फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, एज इट इज लिखते हैं, तो लॉग ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी। फिर माइनस, फर्स्ट फंक्शन जो होता है उसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, और ये हो गया 10 इनवर्स एक्स, सॉरी 1 बाई एक्स और ये हो गया 10 इनवर्स एक्स, और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कैसे करें बताओ। फिर इसमें हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकेंड फंक्शन किसको माने, क्योंकि इसमें भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो किसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, 1 बाई एक्स का। तो 1 बाई एक्स को अगर तुम क्या मान लेते हो, सेकेंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन, तो फिर करके देखते हैं, अपना जो आएगा वो आएगा माइनस, ये 10 इनवर्स एक्स बाहर, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, हाँ हो तो गया, वो आ गया ना, अगला हो जाएगा ln mod x, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 इनवर्स x का dc कितना होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और log x, सही है, बोलो। इसको i मान के चलो, इसको क्या मान के चलो, i। अब जरा सोचो कि वही वाला आई आया हुआ है, yes, sir. ये कितना हो गया, 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, 1 बाई एक्स का जो आप इंटीग्रेशन कर रहे थे वो लॉग एक्स आएगा, सही है, 10 इनवर्स एक्स का डीसी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे 10 इनवर्स एक्स बाहर था, 1 बाई एक्स का डीसी, ठीक है। अब जरा देखो कि i को मान के चल रहे थे, तो i बराबर जो आया तुम्हारा, ये माइनस ऑफ ये 10 इनवर्स x ln x, ये वाली कहानी खत्म हो जाएगी क्या, ये दोनों, यही तो था, बोलिए, और ये वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर वही आ गया क्या, yes, sir. अच्छा, यही इसीलिए बोल रहे थे, तो i इज इक्वल टू i आ जा रहा है, तो i का वैल्यू निकाल नहीं पाया। तो उल्टा करके करो, इसे उल्टा करके करो ना, इसे सेकेंड फंक्शन मानो, इसे फर्स्ट फंक्शन मानो, जबरदस्ती अलग से इंटीग्रेशन करके लाओ। log x का इंटीग्रेशन शायद आप लोग को याद भी होना चाहिए, x माइनस क्या होता है, x माइनस एक्स ln x होता है क्या, आप करके देखो पहले इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x का 1 इंटू log ऑफ x, 1 को आप क्या मान लो, सेकेंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, लॉग एक्स को बाहर कर लेंगे और 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
लॉग एक्स का डी सी वन बाई एक्स और ये एक्स ये कट गया, तो ये एक्स एल एन एक्स और माइनस एक्स आएगा। तो ये याद रखिएगा कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आप याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। अब इस तरह से करके बना लो, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको आप सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा लॉग एक्स का, बताओ, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन। इस फंक्शन का डीसी बताओ, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का, वन बाई फंक्शन का कितना होता है, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का। काफी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, नहीं? अच्छा रुको, एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं पहले हो पाएगा कि नहीं। फिर हो गया माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर अंदर गए तो हो गया टू इंटू एक्स, ठीक है, और इसका आया हुआ है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं? ये इंटीग्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्या क्या सब्स्टिट्यूट करें, वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी, वहां से तो हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको पूरे को वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी माने तो नहीं, नहीं, हाँ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी मानोगे तो उसका डीसी तो और कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। एक्स को कितना, टेन थीटा, चलो करके देखते हैं। एक्स को अगर, हाँ हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा होगा तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे एक्स यदि जीरो पड़ेगा तो थीटा भी जीरो आएगा, अगर एक्स इन्फिनिटी होगा तो थीटा कितना होएगा जी, पाई बाई टू, बताया गया है ना, प्लस इन्फिनिटी पाई बाई टू को जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी को माइनस के तरफ से अप्रोच कर रहे हो। ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स के जगह पे आप लिखोगे टेन थीटा, और नीचे होगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, डी एक्स के जगह पे आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कट जाएगा क्या? Yes, sir. तो आई बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ टेन थीटा डी थीटा। अब क्या करोगे, क्या? अच्छा, प्रॉपर्टी लगा दे, चलिए बढ़िया है। इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दें, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, जोड़ने से प्रोडक्ट में हो जाता है, तो लॉग ऑफ टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा। ये तो आसान हो गया, हाँ लॉग ऑफ 1 आ गया, और लॉग ऑफ 1 0 खुद होता है, तो 2i इज इक्वल टू 0 हो गया, तो i का वैल्यू 0 हो गया। इंटीग्रेशन कितना आ गया इसका, जीरो, सही है जी? यस सर।
आसान क्वेश्चन था, झूठ मूठ का हम सोच लिए ज़्यादा। चलिए और भी कोई डाउट था? सर हमारे डाउट था। पूछो, भेजी हो? भेजे हैं। कौन? शिवांगी? यस सर। कहाँ भेजी हो, कब का है? आज भेजी हो? नो सर, 2-3 दिन पहले था। पता नहीं कहाँ तुम्हारा है शिवांगी। हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ? 15 नंबर। हाँ, फिफ्टीन नंबर इंटीग्रेशन है आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। जैसे ही माइनस ए से ए आए तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन जरूर चेक करना। साइन मॉड एक्स और प्लस कॉस मॉड एक्स डी एक्स। अब बताओ कि एक्स के अंदर अगर माइनस भी डालोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, नहीं पड़ेगा। तो अगर हम एक प्रॉपर्टी बोले कि माइनस ए टू ए अगर जा रहे हो आप, इंटीग्रेशन अगर माइनस ए टू ए जा रहे हो, और अगर आपको एक फार्मूला बताया गया था कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स ही हो जाए, तो दो फार्मूला मतलब तीन फार्मूला लिखवाए थे इसका, माइनस ए टू ए का तीन फार्मूला लिखवाए थे। एक हो गया था जीरो, पहला फार्मूला जीरो टू ए और एफ एक्स और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। फिर दूसरा फार्मूला हुआ था टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स। ये तब हुआ था जब एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर था। और तीसरा फार्मूला था जीरो, ये तब था जब एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर था। क्या ये सही है? बोलिए। यस सर। तो अगर हम इसमें बोले कि अगर x के जगह पे आप माइनस एक्स रख रहे हो तो क्या वही फंक्शन लौटेगा जो पहले था? यस सर। तो इसका मतलब इसके इंटीग्रेशन को हम 0 टू पाई बाई टू लिख सकते हैं, और साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स का 2 टाइम्स। अब 0 टू पाई बाई टू में x जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। x यहाँ भी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो x में मोड लगा है, साइन में मोड नहीं लगा है। ये मत समझना कि साइन मोड x हमेशा पॉजिटिव आएगा। तुमको ऐसा लग रहा है क्या कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा? x के जगह पे हम 3 पाई बाई टू रख देंगे, सोचो, तो क्या ये साइन 3π/2 ही तो बनेगा ना? तो साइन 3π/2 तो माइनस वन देगा। एक्स में मोड लगा है, फंक्शन में मोड नहीं लगा हुआ है। तो एक्स में अगर हमको पता चल गया कि एक्स 0 और पाई बाई टू के बीच में पॉजिटिव है तो मोड से फ्री हो सकते हैं क्या? yes. तो मोड से फ्री हो जाओ, फालतू का मोड लगा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या अब आप इंटीग्रेशन जानते हो? है ना, आप कर सकते हो कि अब या याद कर लो ना, याद फार्मूला से कर लो। मतलब आप याद करो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर 0 से पाई बाई टू करते हो तो क्या आता है? 1 आता है, प्लस 2 रहेगा बाहर। आ कॉस एक्स का बता दो, कॉस एक्स का भी तो यही होता है ना, गिरते हो तो वो भी 1। तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। कोई दिक्कत? और कौन सा क्वेश्चन में डाउट था तुम्हारा? सर 21 भी सेम तरह का क्वेश्चन है,
इंटीग्रेशन माइनस टू 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 और एक्स इंटू ई टू द पावर मॉड ऑफ एक्स। तुम सबसे पहले ये चेक कर लिया करो एक्स में माइनस डाल के कि एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या आएगा। तो जब तुम एक्स के जगह पे माइनस डालोगे तो ये तो माइनस एक्स होगा, लेकिन क्या ये वाला माइनस को गायब नहीं कर लेगा, मॉड है तो। यस सर। इसका मतलब ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? इवन फंक्शन। क्या बात कर रही हो, इवन फंक्शन तब होता है जब माइनस डालने पे गायब हो जाता है। ये तो माइनस पूरी तरह से बाहर हो गया, ये इसको फिर से आप बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स, एक्स इंटू ई का पावर मॉड एक्स बोल सकते हो ना। तो ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जीरो। प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। और तुम्हारा शायद क्वेश्चन नंबर कौन सा डाउट है, 26? 26 का क्वेश्चन जो है ना, हम इसको देखे थे, ये मतलब वो जो इंटीग्रेशन लिखा है ना वही गलती लिख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं होगा, डिफाइंड ही नहीं होगा। क्यों डिफाइंड नहीं होगा जरा देखते हैं, देखो जो लिमिट दिया है उस लिमिट में ये डिफाइंड नहीं होगा। इंटीग्रेशन कितना है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, और माइनस पाई बाई टू और डिवाइडेड बाई क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं ना होना चाहिए। हाँ अब तुम जरा सोचो कि ये अगर फंक्शन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू दे रहा है, तो जरा सोचो कि ग्राफ अगर तुम कॉस एक्स का केवल देखो, कॉस एक्स का ग्राफ, ये तो पॉजिटिव आएगा, ये तो कन्फर्म है स्क्वायर के चलते, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो। अब कॉस एक्स का ही जिम्मेदारी होगा अंडर रूट को डिफाइंड करने का और अनडिफाइंड करने का, सही है जी। अब कॉस एक्स का ग्राफ अगर तुम देखो माइनस पाई बाई टू से, नहीं नहीं सही तो लग रहा है जी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है ना माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। तो कोई तो दिक्कत नहीं है, हाँ तो पॉजिटिव है तो ठीक है। अब देखते हैं, करते हैं इसको, पहले देखो कि इसमें से क्या हम लोग बाहर माइनस कर सकते हैं, क्या एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। यस सर। कैसे कैसे होगा, एफ ऑफ एक्स तुम्हारा माइनस पाई बाई टू रूट ओवर कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, अगर हम एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालते हैं तो ये माइनस पाई बाई टू ये वाला तो गायब हो जाएगा, हाँ ये भी गायब हो जाएगा क्योंकि ये बाहर करेगा स्क्वायर के चलते गायब हो जाएगा, सही बात है। तो क्या ये इवन फंक्शन है, बोलिए। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन टू टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, और ये माइनस पाई बाई टू को बाहर कर ले क्या। यस सर। बाहर कर लेते हैं और वन बाई अंडर रूट कॉस एक्स और साइन एक्स से बाहर क्या, पहले अभी साइन स्क्वायर एक्स ही लिखो। अब अगले स्टेप में क्या हम लोग जीरो टू पाई बाई टू के बीच में साइन एक्स को मॉड मतलब पॉजिटिव होगा, तो साइन स्क्वायर को हम केवल सिंपल साइन एक्स बाहर कर सकते हैं। तो ये वन बाई ये साइन एक्स और रूट ओवर कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब जरा देखो तो एक्स के जगह पे माइनस डाल के ये तो पहले ऑड वाला फंक्शन मत लगा देना, ये टू टू कटेगा, ये पाई इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, और ये आया है आपका क्या लिख सकते हैं इसको, वन बाई साइन एक्स इंटू रूट ओवर कॉस एक्स,
चलिए, ऊपर रहता तो काम बन जाता, नीचे है तो क्या करोगे? अगर इसको हम सेक में भी बदलें, इंटीग्रेशन 0 to π/2, इसको लिख दें कॉसेक एक्स और इसको लिख दें रूट ओवर सेक एक्स डी एक्स, क्या इस स्टेप के बाद हम बना सकते हैं? बोलिए। अब ये वाला प्रॉपर्टी लगाइए एक बार, आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a ही और एफ ऑफ ए माइनस एक्स, लगा सकते हैं ना? तो चलो इसको i मान के आगे बढ़ते हैं, फिर i मान के, तो ये पाई और इंटीग्रेशन 0 to π/2, और ये बताओ कॉसेक π/2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा? सेक एक्स, और ये कितना बन जाएगा? कॉसेक एक्स। क्या हम लोगों को दोनों को जोड़ने से फायदा होगा कुछ? अगर दोनों को जोड़ दें तो 2i ऑफ इंटीग्रेशन कितना होगा? पाई कॉमन